जो फॉर्मूला वन के ये कार्स होते हैं ना, इनको देख के आपको लगता होगा कि जो ये ड्राइवर्स होते हैं ये कैसे बैठे रहते हैं, मतलब इतना कम स्पेस में। तो एक्चुअली में देखो, ये है उसका लेआउट, ऐसा कुछ होता है। फॉर्मूला वन के जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्चुअली में बैठते नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट लेटे रहते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 18, मिस्टर बीन जो हम लोग के बचपन में ऑफ कोर्स फेवरेट रहा है, क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन जो हम लोग देखते हैं उसका जस्ट 15 एपिसोड ही है। मतलब बचपन में जो इतना हम लोग देखते थे, ऐसा लगता है कि कितने सीजन होंगे, है ना, बहुत सारे, बट मात्र 1 से लेके 15 एपिसोड बस वही। मतलब मिस्टर बीन के आज तक सिर्फ और सिर्फ 15 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, बट हम लोग को ये 10-15 सीजन के बराबर लगता था बचपन में। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि जो ये हैरी पॉटर मूवी है उसमें एक ये सीन जो देखा हुआ उनको पता है, बट इस फिल्म सीन के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि जो ये चाइल्ड एक्टर्स हैं, इनके सामने जो किताब है ना और जो ये लिख रहे हैं, ये एक्चुअल होमवर्क कर रहे थे। मतलब ये एक्टर तो स्कूल में भी जाते हैं ना, और वहाँ इनको होमवर्क मिलता है, तो यहाँ पे वो अपने रियल होमवर्क को कर रहे थे ताकि ये ज्यादा रियल दिखे, ताकि इस सीन में थोड़ा और जान आ जाए और असली लगे, क्योंकि वो इस सीन में अपने रियल लाइफ स्कूल का रियल लाइफ होमवर्क कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 16, पेंगुइन जो होते हैं उनके पैर आप देखो कितना छुटकू सा दिखता है पैर इन लोगों का, बट एक्चुअली में इनका पैर देखो कितना लंबा होता है, और इनका बोन भी होता है और घुटना भी होता है, बट इनका जो क्यूट क्यूट सा थुल थुल सा ये जो ये मोटापन होता है इन लोगों का, इससे छुप जाता है ये मोटापन, नहीं मतलब इन लोगों का ये थुल थुल बॉडी जो है उसके चलते ये छुप जाता है। एंड अगर हम लोग इनके बॉडी का रियल एक्सरे देखें तब हमें पता चलता है कि इनका पैर तो काफी बड़ा है। फैक्ट नंबर 15, ये है एक्टर जेवियर बोटेट, इनको मैरफेन सिंड्रोम है। एंड मैरफेन सिंड्रोम क्या है, ये है एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि इंसान के बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करता है, और इंसान जो होता है वो बहुत पतला तो होता ही है, साथ साथ बहुत लंबा भी हो जाता है, और उनके हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं, एंड इन्हीं से ये सफर करते हैं, बट एक्चुअली में इसके बावजूद भी ये अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। फैक्ट नंबर 14, आपको पता है अगर कोई न्यूक्लियर तबाही से मरता है तो अचानक से जो इतना आग निकलता है, इतना हीट निकलता है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है, तो शहर के लोगों को मरते वक्त एक्चुअली दर्द नहीं होता है। अब आप पूछोगे कि इतना आग, इतना एनर्जी, एक सेकंड में भाप बन जाते हैं ये लोग, तो दर्द क्यों नहीं होगा, तो इसे लास्ट सेंटेंस में ही उसका आंसर है कि वो इतने जल्दी, मतलब एक अटैक से पूरा शहर वेपोराइज हो जाएगा, तो उनके बॉडी का जो पेन रिसेप्टर है वो दर्द को फील करे उसके पहले ही वो लोग राख बन जाएंगे, इतना भयंकर होता है ये। आपका ब्रेन पेन को डिटेक्ट करे उसके पहले ही सारा शहर भाप बन चुका होगा इतनी तेजी में। फैक्ट नंबर 13, डिडास कैलेनोफोबिया, ये एक फोबिया का नाम है और इसका मतलब होता है फियर ऑफ गोइंग स्कूल, स्कूल जाने से डर। मुझे लगता है कि ये चीज सारे बच्चों में होती है, बट टेक्निकली जिनके अंदर ये होता है वो बड़े में भी स्कूल जाने से डरते हैं, मतलब क्लास 8, 9, 10 में भी होके, तब उनको कहा जाता है कि इनको ये फोबिया है। फैक्ट नंबर 12, ये है द मास्टरपीस क्यूब। रूबिक्स क्यूब तो आप जानते ही होंगे अलग अलग तरह के होते हैं, बट ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव रूबिक्स क्यूब है, और इसे द मास्टरपीस क्यूब के नाम से जाना जाता है, और इसे 1995 में बनाया गया था डायमंड कटर्स इंटरनेशनल के द्वारा। फैक्ट नंबर 11, साल 2010 में लेडी गागा ने एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड शो में एक एक्चुअल मीट का ड्रेस पहना था, मतलब मीट से बना एक ड्रेस, ये साल 2010 की बात है, ये मतलब रियल मीट से बना एक ड्रेस है, एंड इसे अभी भी सेफली आर्काइव में स्टोर करके रखा गया है। फैक्ट नंबर 10, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एक रिसर्च कंपनी ने एक कोलैबोरेशन से एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया था साल 2010 में, ऐसा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्या है कि ये पेड़ के बगल में है आर्टिफिशियल पेड़, ये जो आर्टिफिशियल पेड़ है ना, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेगा और एयर को क्लीन करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियल पेड़ करते हैं, बट इतने साल बीत गए बट ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें बहुत खर्चा है और इतना खर्चा कोई करना चाहता नहीं है, और इसी से हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट के बारे में कितना चिंता है लोगों को।
फैक्ट नंबर 9, जो एयरपॉड होता है आपको पता ही होगा कि कितना महंगा होता है, बट जो एयरपॉड होता है उसको अगर हम लोग देखें और बाकी एयरफोन से कंपेयर करें तो ऊपर से देखने से एकदम सिंपल लगेगा, बट एक्चुअल में जो उसका जो मिरेकल है वो उसके अंदर मौजूद है। आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू बाकी एयरफोन्स इसके अंदर ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है साउंड आउटपुट का। इसके अंदर बहुत सारी बारीक टेक्नोलॉजी मौजूद है और एटलीस्ट इतने मात्रा में तो बाकी ईयरफोन्स में नहीं होता। दैट इज द रीजन ऑफ द कॉस्ट। फैक्ट नंबर 8, लेटीपोरस नाम का एक मशरूम होता है और ये जंगलों में उगता है, और आप इसे देखो और ये जो है ना ये मशरूम ये चिकन की तरह टेस्ट करता है, फ्राइड चिकन की तरह, एंड इसको लोग बहुत जगह चिकन के बदले खाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जो नॉर्मल पार्किंग होता है आपको पता ही है कि उसमें गाड़ी जो है वो निकालने में बहुत मुश्किल होता है, कार पार्किंग की बात हो रही है, बहुत टर्न एंड ट्विस्ट करना पड़ता है तब एक गाड़ी निकल पाता है पार्किंग से, और वो भी एडिक्वेट गैप होना चाहिए, बट जापान में कई जगहों पर डिसिप्लिन पार्किंग फॉलो किया जाता है। डिसिप्लिन पार्किंग का आप ये इमेज देखो, इसमें गाड़ी दोनों साइड से लगा हुआ है तो यहाँ पे एक गाड़ी रिवर्स करके आराम से निकल सकती है, और इसे कहते हैं डिसिप्लिन पार्किंग। मेरे ख्याल से ऐसे ही पार्किंग टेक्निक्स जो कि हमें और कंफर्ट दे गाड़ी निकालने में, ऐसे टाइप के टेक्निक्स और भी फॉलो होना चाहिए पूरे विश्व भर में, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। फैक्ट नंबर 6, आपने मिठाइयों के ऊपर ऐसा ये तो देखा ही होगा, ये जो इसे हम लोग चांदी कहते हैं कॉमन भाषा में, बट ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये काजू कतली का पिक देखो, ये इंडिया के सबसे फेमस मिठाइयों में से एक है, बट इसके ऊपर जो सिल्वर फॉयल है इसको एक्चुअली में टेक्निकली कहते हैं VARAK, वेरेक। इसके एक्चुअली दो ऑफिशियल स्पेलिंग्स है, वेरेक भी VARAK भी और VARK भी बोला जाता है, वेरेक। फैक्ट नंबर 5, ऑफिशियली वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस सेल्फी बज ऑल्ड्रिन ने लिया था 1966 में, और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये देखो नीचे धरती है, ये स्पेस से ये फोटो लिए थे और इसको ऑफिशियली वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस सेल्फी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, थ्री इडियट्स में जो ये फुनसुक वांगड़ू था, आमिर खान का फिक्शनल कैरेक्टर, इसके बारे में ये दिखाया गया था कि ये फ्यूचर में जाके एक साइंटिस्ट बन जाता है और कई इनोवेटिव चीजों को डेवलप करता है। उसके बाद नेट पे सोनम वांगचुक, इनको रियल लाइफ का फुनसुक वांगड़ू कहा गया, और ये क्लियर किए कि नहीं थ्री डेट्स मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, बट लोग मेरे को मानते हैं रियल लाइफ का फुनसुक वांगड़ू, वो अलग बात है, बट इनके बारे में एक फैक्ट है कि ये रियल लाइफ में इन्वेंशंस करते हैं, और ये इंडियन आर्मी के लिए गलवान वैली में सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए थे, जो कि ठंडे से ठंडे जगह पे माइनस वाले जगह पे टेम्परेचर को बिल्कुल सही रखता है, गर्म रखता है, और 10 ऐसे टेंट्स, पोर्टेबल टेंट्स, जिनका ईच का वेट 30 किलो से भी कम है, इन्होंने जवान्स को दिया था, मतलब एक यूनिक सा इन्वेंशन इन्होंने किया था, रियल लाइफ फुनसुक वांगड़ू। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो शाम का वक्त है, बट जो ये रोड के बगल वाला बाइसाइकिल वाला पाथ है वो ग्लो कर रहा है, तो ये पिक्चर है पोलैंड का, और यहाँ पे जो बाइक का पाथ होता है वो रोड के अंदर फॉस्फोर डाला जाता है, जो कि क्या होता है फॉस्फोर 10 आवर तक ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है दिन में, और शाम के बाद रात भर सुबह तक ये जलता रहता है, सनलाइट पावर्ड बाइसाइकिल पाथ जो कि ग्लो करता है, ऐसा पूरे दुनिया में सिर्फ पोलैंड में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, बिल गेट्स का जो घर है वो एक ड्रीम है हर इंसान के लिए, इनका घर करोड़ों का है ये तो कॉमन फैक्ट है, बट इनके घर के बारे में यूनिक फैक्ट ये है कि इनका पूरा घर का हर एक स्क्वायर फीट प्रेशर सेंसिटिव है, यानी ये अपने रूम में बैठे बैठे अपना पूरा इलाका का रिपोर्ट देख सकते हैं कि इनके घर में कौन कहाँ खड़ा है और कितने इंसान है, मतलब पूरा फ्लोर ही इलेक्ट्रॉनिक है टेक्निकली बोले तो, सेंसर लगे हुए हैं, और एक इंसान का वेट अगर इसमें रजिस्टर किया जाए तो वेट से ये पता चल जाएगा कि उस इंसान का नाम क्या है जो कि कहाँ और कब खड़ा है इनके घर पे। फैक्ट नंबर 1, मध्य प्रदेश के ये मियाज़ाकी मैंगो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में एक जगह पे मियाज़ाकी मैंगो उगाया गया और एक एक मैंगो को लाखों में बेचा गया। क्या है कि इसके पीछे की जानकारी आपको जाननी जरूरी है कि जो मियाज़ाकी मैंगो है ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मैंगो है, और ये जापान के मियाज़ाकी नामक शहर में सिटी में
उगाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम है मियाज़ाकी मैंगो। और इंटरनेशनल मार्केट में 2.7 लाख पर किलोग्राम इसका प्राइस है। एंड इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है और ये आंखों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। इसको एग्स ऑफ द सन भी कहा जाता है एज अ रेयरिटी रेस्पेक्ट, और यही इंडिया में उगाया गया था। बट एक स्पेसिफिक क्वालिटी का होता है तभी ये इतने दाम में बिकता है। बाकी इसका प्लांट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, बट इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स है उस लेवल का ये होना चाहिए एंड टेस्टिंग में पास होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश में उगा था उसका यही स्टैंडर्ड था, इसीलिए इसका इतना वैल्यू हुआ एंड इसको कुत्तों और गार्ड से एकदम सेफ रखा गया। बहुत लोग बोलते हैं कि डोमेस्टिक ज्यादातर उगा हुआ इसी प्रजाति का 5,000 से ज्यादा में नहीं बिकेगा, बट स्टैंडर्ड्स की बात है एंड स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल होने चाहिए तभी प्राइस 2.5 लाख मिलेगा। एंड मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड का निकला था, दैट वाज द रीजन फॉर द प्राइस। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।